मैं भी वन, सो हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा टॉपिक ऑफ फेरिंग्स, दैट इज फेरिंजियल बर्साइटिस या थॉर्न वॉल्स डिजीज जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट करने से पहले जरा से मैं आपको याद करा दूँ कि नोटोपॉड क्या चीज़ थी। याद है आपको जब एम्ब्रियो पढ़ते होते थे आप, तो एक ऐसी अजीबोगरीब सी डायग्राम्स आपके सामने आती थी जिसमें दिस इज़ योर सेंट्रल न्यूरल ट्यूब है, यहाँ पर फिर आपका सोमैटिक एंड स्प्लैंकनिक मेसोडर्मल फ्लाना, हियर वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। ये ट्यूब नज़र आ रही है, दिस इज योर नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये जो नीचे गोल वाली है, ये पूरी लंबी ट्यूब होती है इस न्यूरल ट्यूब के नीचे, और इससे बाद में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक अटैचमेंट होती है जब हमारा फेरिंग्स डेवलप होता है। आपको पता है कि हमारी जितनी भी लेयर्स हैं, और सॉरी जितनी भी चीज़ें एम्ब्रियो में डेवलप होती हैं, उनकी तीन ही जर्म लेयर्स से डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। कुछ पोर्शन एक्टोडर्म डेवलप्ड होते हैं, कुछ एंडोडर्म और कुछ मीजोडर्म, ऐसा ही है ना, जर्म लेयर्स तो यही थी। जो हमारा फेरिंग्स डेवलप होता है ना उस टाइम पे, उस फेरिंग्स के साथ ये नोटोकॉर्ड जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, उस फेरिंग्स की लाइनिंग के साथ ये नोटोकॉर्ड जुड़ा हुआ होता है। मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बस एक बात आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये फेरिंजियल बर्सा है क्या चीज़, ठीक है। जब बस इतना याद रख लें कि डेवलपमेंट के टाइम पे फेरिंग्स डेवलप हुआ, ठीक है, जाहिर है सब कुछ डेवलप हुआ तो फेरिंग्स डेवलप हुआ, फेरिंग्स की जो लाइनिंग थी वो एंडोडर्म से थी, एंडोडर्म से डेवलप हुआ, उसके साथ ये नोटोकॉर्ड जो है वो अटैच्ड होती है। बाद में जब ये नोटोकॉर्ड अलग हो जाती है तो हमारे पास उसका एक इन जैसे सपोज ये कर किया ना मैंने कि अटैच एक चीज़ थी, वो चीज़ जब अलग होगी तो उस चीज़ की जगह खाली रहेगी वहाँ पर, ठीक है। वो चीज़ जो वो जगह जो खाली रह जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज बेसिकली फेरेंजियल बर्सा, और उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे फेरेंजियल बर्साइटिस कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखें, ये जो कैविटी है कि नेजो सॉरी पिक्चर नेजो फेरिंग्स की है, ये नेजो फेरिंग्स का रीजन है, ये ऊपर उसकी वही स्फीनोइड बोन है, और ये जो आपको ओपनिंग नजर आ रही है ये स्टेशन ट्यूब की ओपनिंग है जिसके इर्द गिर्द हमने कहा ट्यूबल टॉन्सिल है, ठीक है। ये जो पीछे की तरफ एरिया है ये आपका नीचे, ये दिस इज योर एडिनोइड या नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अभी जो बीच में आपको एक एरिया वाइट खाली नजर आ रहा है ना, जो इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ हुई है, ये खाली एरिया रह गया था। क्यों रह गया था? फेरिंग्स की डेवलपमेंट के टाइम पे इस जगह पर नोटोकॉर्ड अटैच होती थी। जाहिर है उस वक्त चीज़ें इस तरह से अलाइन नहीं थी, उस वक्त ये नेजोफेरिंग्स नहीं बना हुआ था, उस वक्त शक्ल डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ नोटोकॉर्ड अटैच थी। बाद में नोटोकॉर्ड इधर से अलग हो गई और ये जगह वाइट वाली खाली रहेगी, दिस इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंजियल बर्सा। बस अब इतना याद रख लें कि दिस इज अ रेमनेंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड विद द फेरिंग्स, ठीक है। बर्सा क्या होता है? खाली जगह है, ठीक है, सैक है, एक जगह है जहाँ पर कुछ कलेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन आके लॉज कर सकता है, तो इस जगह पर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं नेजोफेरिंजियल बर्साइटिस। अब डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, सो टॉकिंग अबाउट फेरिंजियल बर्साइटिस या नेजोफेरिंजियल बर्साइटिस, पहली बात तो आपने याद रखनी है कि इसका दूसरा नाम जो है वो थॉर्न वॉल्स डिजीज है, ऑन द नेम ऑफ द पर्सन जिसने ये चीज डिस्कवर की थी, ठीक है, थॉर्न वॉल्स डिजीज भी इसको कहते हैं हम। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, बहुत छोटा सा, बुकों में छोटा सा लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड भी उतना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एसईक्यू में ना 2-3 नंबर का आ जाता होता है कि फेरिंजियल बर्साइटिस एक्सप्लेन करें या व्हाट इज फेरिंजियल बर्सा। तो फेरिंजियल बर्सा तो आपने याद रखना, डायग्राम भी देख लिया आपने कि इट इज़ अ रेमनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, रेमनेंट वेयर नोटोकॉर्ड वॉज अटैच्ड विद द प्रिमिटिव फेरिंग्स, जब फेरिंग्स डेवलप हो रहा था उस टाइम वहाँ नोटोकॉर्ड अटैच था, अब नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखने के साथ छोटी सी अगर वैसी डायग्राम भी बना दें ना साइड व्यू की, तो बहुत ही आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी। अब आपको पता है कि नॉर्मली भी तो नेजोफेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमने पढ़ा था कि एडिनोइड्स में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वो भी बड़े हो जाते हैं, और एडिनोइड्स बिल्कुल साथ पड़े हुए हैं। यहाँ पर आपका ऐसे करके है ना, यहाँ पर यू हैव रेथकेस पाउच, फिर सॉरी गलत बन गई, यहाँ पर रेथकेस पाउच है, फिर यू नेजोफेरिंजियल बर्सा, और यहाँ पर एडिनोइड्स हैं, ऐसे ही ना, ये सारा एडिनोइड है, ठीक है, ये आपका रेथकेस पाउच है, दरम्यान में जो खाली जगह ये आपका बर्सा है। अब इन्फ्लेमेशन तो इधर भी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन तो इधर भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन यहाँ भी हो सकती है, लाइक जनरली देखा जाए तो एक ही एरिया है ना, यहाँ पर जो भी साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, वो एक जैसे ही आएंगे, तो येस ऑलमोस्ट एक ही जैसे आते हैं, सिर्फ ये कि अगर आप उसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेट करें कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, तो अगर वहाँ वो जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली इस पाउच में हो, इस बर्सा में हो, तो वो हमारी फिर नेजोफेरिंजियल या फेरिंजियल बर्साइटिस हो जाता है। तो इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, तो जाहिर है डिस्चार्ज या कुछ प्रोड्यूस होगा जो कि आपके गले में गिरेगा, तो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज है, और क्रस्टिंग हो जाती है इस एरिया, क्योंकि ये जगह खाली है ना, तो इस जगह में क्रस्टिंग हो जाएगी। उसके साथ साथ
एडिमा और कंजेशन हो रहा है इसीलिए, तो जाहिर सी बात है कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो होती ही होती है, कोई भी नेजल इशू होता है, एडिमा होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑलवेज एकम्पनिंग इन दैट एरिया। और बाकी फिर वही बात है, मैंने आपको भी दिखाया था कि यहाँ पर एक ओपनिंग है विच इज ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, वो ब्लॉक अगर होगी इन्फेक्शन की वजह से तो मिडिल ईयर के इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, ठीक है। साथ आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है, सोर थ्रोट, फीवर, ये सारे इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। लाइक मैं ये अगर बताना चाह रही हूँ आपको, कोई इसमें एक ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है कि जो बहुत खास हो, जो इसी से एसोसिएटेड हो, सारे जनरल नेजोफेरेंजियल इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बरसा अलग चीज़ है, मतलब दिस इज़ अ रेमनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, तो इसलिए हमने इसको अलग से पढ़ा है और इसका नाम भी हमने इतना फैशनी से रख दिया, थॉर्न वॉल्ट्स डिजीज, वरना इसमें कोई खास बात नहीं है। आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको सब बताया है कि आपसे क्वेश्चन में ज़्यादातर फेरेंजियल बरसा पूछते हैं, दो नंबर का सवाल आ जाता है, व्हाट इज़ फेरेंजियल बरसा, उसमें आपने दो लाइनों की डेफिनेशन लिखनी है, बल्कि दो भी नहीं, एक लाइन की है, और आपको दो नंबर मिल जाते हैं। सो बस इतनी सी बात है कि इसमें आपको उसी तरह से पोस्ट नेजल डिस्चार्ज है, क्रिस्टिंग आपने लाजमी लिख देनी है, साथ आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेड है, हेडेक, फीवर वगैरह। ट्रीट किस तरह करते हैं हम, अच्छा एग्जामिनेशन जब आप करेंगे ना, तो क्योंकि इस जगह पर आपका बर्साइटिस में आपका इन्फेक्शन हुआ है, तो ये जगह पर एक आपकी फ्लूइड कलेक्टेड स्वेलिंग, सिस्टिक स्वेलिंग बन जाती है। ये एक बात इसमें थोड़ी सी डिफरेंट थी, याद आ गई कि यहाँ पर ना एक फ्लूइड कंटेनिंग, जाहिर आपको पता है कि जो स्वेलिंग फ्लूइड कंटेनिंग होती है वो हमेशा फ्लक्चुएंट होती है, फ्लक्चुएंट का मतलब वो ऐसे मूव करने पे आराम से हिल जाती है, ठीक है। तो फ्लक्चुएंट सिस्ट टाइप स्वेलिंग सी बनी हुई होती है, जो कि आपके नॉर्मल एडिनोइड्स वगैरह के इन्फ्लेमेशन में नहीं होगी। तो आपको ये एग्जामिनेशन में पता चले कि ट्रीट आपने एंटीबायोटिक्स से कर देना उसको, और अगर सिस्ट ज़्यादा बड़ी है तो फिर सर्जिकल रिमूवल, ये बात खत्म होती है यहाँ पर। अगर कोई भी मसला हो किसी को तो यू कैन आस्क मी, बस इसकी डेफिनेशन याद रखनी कि व्हाट इज़ फेरेंजियल बर्सा एंड यू आर डन। थैंक यू।